यात्रा शुरू करने से पहले लोग यहाँ पर ये बाथिंग घाट है, यानी नहाने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, क्योंकि लोग बहुत दिनों के सफ़र से यहाँ आते हैं। और हम तो आज सुबह ही चले थे और सुबह जम्मू एयरपोर्ट पर उतरे हैं और उसके बाद ये हम यहाँ आए हैं। तो हम लोगों ने तो नहाना अपना कर लिया था, तो ये बाथिंग पॉइंट है, यहाँ पर लोग नहा धो कर के जाते हैं और उसके बाद माता वैष्णो के दरबार में जाते हैं नहा कर के जाते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर नहा धो कर के जाते हैं माता के दरबार में। गंगा में पार्किंग घाट, यहाँ पर नहाने के बाद तो बंदर को भगाने जा रहा है। क्या लेके भागा भाई बंदर आपका है भाई? ओ छोटू, बंदर क्या लेके भाग गया आपका? तो श्रद्धालुओं, माता के भक्तों, जय माता दी। ठीक 1:05 पर हमने अपनी यात्रा शुरू की थी नीचे कटरा से, और अभी 2:45 हुए हैं और हम अधिकारी पर पहुंच चुके हैं और आराम आराम से हम चल रहे हैं। ये रास्ता जो ऊपर जाता है ये अर्धकुंवारी है, और ये बाईं तरफ जो रास्ता जाता है ये अर्धकुंवारी की तरफ जाता है, और जो इधर रास्ता दाहिनी ओर जा रहा है राइट साइड में, तो ये रास्ता सीधा माता की तरफ जाता है। लोग यहाँ से अर्धकुंवारी के दर्शन करते हैं और माता के दरबार जाते हैं। तो जैसा श्रद्धा जिसके मन में है वो श्रद्धा सभी लोग यहाँ पर अपनी दिखाते हैं और वहीं जाते हैं जहाँ उनका सामर्थ्य है, और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सभी लोग यहाँ चल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ घोड़े पर चल रहे हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, लेकिन श्रद्धा सभी की समान है, जो कि माता के दर्शन करने हैं, माता के दरबार में जाना है। तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, RCJ उत्तराखंडी के साथ मेरी यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी। जय माता दी।